हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके देखूंगा ये जो डबल इमेज प्रॉब्लम सोनी एलईडी टीवी का। तो दोस्तों ये 22 इंच का सोनी कंपनी का ओरिजिनल टीवी है, ठीक है। और इसका जो पिक्चर दिखे डबल इमेज, तो ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली सीकेवी लाइन शॉर्ट होने का बजाय इसी तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, इसका अंदर क्या है, सीकेवी लाइन है कि नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है, सब कुछ मैं ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट आप देखिए प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है, इसका सिम्टम किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनल दोस्तों, इसका बैक कवर मैं ओपन किया, बैक कवर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है, ठीक है। और इसका जो पैनल का स्केलर पीसीबी, इसका अंदर ये जो ब्लैक पेपर है इसका नीचे है, ठीक है। तो ये स्केलर पीसीबी को ओपन करने के लिए ये जो अलग अलग ये सब ओपन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका पहले स्पीकर को भी ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, पूरा डिस्प्ले को ओपन किया और यहाँ पर एक स्क्रू है, ये ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये जो ब्लैक वाला पेपर है, ये पेपर आप आउट करेगा तो तब स्केलर पीसीबी आपको नज़र में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये स्क्रू को ओपन कर देता हूँ। और दोस्तों, इसका ऊपर भी और एक्स्ट्रा स्क्रू है, वो भी ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पैनल का स्केलर बोर्ड है, इसको ओपन करने के बाद इसका अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉप है, ठीक है। और इसका दोनों साइड ये लाइट लेफ्ट और राइट साइड का अंदर ये देखिए कुछ भी के भी लिखा नहीं है, बट दोस्तों इसका अंदर देख सकते हो लाइट का वजह ब्लर हो जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर VGL, ठीक है, ये VGL लिखा है। और उसका बाद CK1 लिखा है, CK1 ये L मतलब लेफ्ट साइड का। तो ये दोस्तों VGL का और ये CKV1 का, ठीक है। और ये CK2 मतलब ये जो लाइन है CK2 यहाँ पर लिखा है, और ये CKV3 CKV4 5 इस तरह लिखा है। तो ये लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड का CKV1 2 को मैं कट करके एक बार देखूँगा, उसके बाद नहीं होगा तो दोबारा जोड़ के ये जो राइट साइड का यहाँ पर जो CK1 2 लिखा है ये मैं कट करके देखूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं करके देखता हूँ। फाइनली दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका स्पीकर लाइन को आउट कर दिया, ये स्पीकर जो पॉइंट है इसको बाहर कर दिया, और किसी का साथ ये शॉर्ट ना हो जाए इसलिए ये जैक को मैं बाहर कर दिया, ठीक है। सेंसर को भी आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सप्लाई देने का साथ साथ ये ऑन हो जाता है साथ साथ। तो अभी ये साइड जो CK1 2 3 4 5 ये लाइन को मैं कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पोजीशन है, ठीक है। आपको मैं ये मोबाइल कैमरे से दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कट करने के बाद जो डबल इमेज प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो इसीलिए मैं ये लाइन को अभी नहीं जोड़ा हूँ। इसका जो राइट साइड ये साइड है, ये साइड का CKV लाइन को आप देख सकते हो, मैं 1, 2, 3, 4, 5 ये मैं सब कट कर दिया, ठीक है। ये नीचे वाला 3 पॉइंट और ऊपर वाला 2 पॉइंट, ठीक है। कट करने के बाद इसका डबल इमेज प्रॉब्लम चला गया, बट इसका दोनों साइड कटिंग है, ये साइड भी कटिंग है, अभी ये साइड भी कटिंग है। इसी कंडीशन पर क्या सिम्टम आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन कट करने के बाद डबल इमेज प्रॉब्लम था, उसके बाद सोचा कि ये लाइन को कट करके देखूँगा, तो इसलिए ये लाइन को मैं कट किया। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद इसका अंदर देखिए, ये देखिए डबल इमेज प्रॉब्लम चला गया, सोनी लिखा आ रहा है और बीच में कुछ इसी तरह लाइनिंग आ रहा है, हल्का सा लाइनिंग चल रहा है। देखिए ये डबल इमेज चला गया, ये जो लाइन आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ। ये साइड कटिंग है तो ये साइड को फिर भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं ये साइड को जोड़ने के बाद मैं आपको फाइनली एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली इसका ये जो साइड है, ये साइड का अंदर जो CKV लाइन को मैं काट किया था,
तो इसको मैं ज्वाइन कर दिया, आप देख सकते हो। तो कुछ भी सीकेवी लाइन और स्केलर पीसीबी के अंदर लाइन को काट करने का पहले थोड़ा सा घिस लीजिए चाकू के साथ, ठीक है, तब आप सोल्डरिंग काट पाओगे आसानी से। तो इसी तरह मैं किया और ये लाइन अभी काटा हुआ ही है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो स्केलर पीसीबी के अंदर सी के भी लिखा नहीं है, ठीक है, सी के वन सी के टू इसी तरह लिखा है, ठीक है। और क्या बताऊँगा आपको, तो इसका पेन नंबर भी आप एक बार देख सकते हो, और अभी इसका बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है।